हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लाइफस्टाइल और ब्यूटी रिलेटेड कोई भी टिप मिस ना कर पाए। और अगर आपने हमारे चैनल पर चल रहे गिवे में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि उसमें रखे गए 5 प्राइजेस जो है वो है समर मस्ट हैव प्रोडक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इसकी पैकेजिंग पे मेंशन है। तो ये है वेटलेस मूस फाउंडेशन, मींस जब भी आप इस फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है। और ये टेक्सचर में बहुत लाइट है, सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो। ये आपको मैट फिनिश देगा और इजीली ब्लेंड हो जाएगा, मींस आपको इसको ब्लेंड करने के लिए ज़रूरी नहीं किसी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना पड़े या मेकअप ब्रश का यूज़ करना पड़े, आप इसे अपनी फिंगर से भी इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। तो सबसे पहले मैं बहुत थोड़ा सा इसे अपने हैंड्स पे निकाल लेती हूँ। तो ये है इसका टेक्सचर, ये बहुत लाइट है, सॉफ्ट है। बहुत इजीली फिंगर से भी ब्लेंड हो रहा है। तो चलिए अब इसका एप्लीकेशन फेस पे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये हमारी फिंगर्स से इजीली ब्लेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज मैं कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करूंगी, सिर्फ अपने फिंगर से ही इस फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी। तो ये है इस फाउंडेशन का एप्लीकेशन और ये मेरी फिंगर से इजीली ब्लेंड हो गया जैसा कि इसके फीचर्स में लिखा हुआ है। और इसे ब्लेंड करने के लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको किसी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प की ज़रूरत है। और ये बहुत वेटलेस भी है और मैट लुक भी दे रहा है बिल्कुल, बट ऑल स्किन टाइप के लिए गुड है ऐसा नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकता है। तो जिसकी स्किन ड्राई हो और अगर आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, उसके बाद इस फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन को ऑयल फ्री भी रखता है और बिल्कुल भी आपकी स्किन पर ऑयल नहीं आने देता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और इससे रिलेटेड आपकी जो भी सजेशंस या क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।